हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो लेक्चर में हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। और अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया था इस बार। हर साल एक क्वेश्चन रहेगा तुम्हारे पेपर में लगभग लगभग। तो कम पढ़ के ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। यहाँ पर कहता है इलेक्ट्रिक वेक्टर और के वेक्टर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम देन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। हम सबको पता, अगर ये इलेक्ट्रिक वेक्टर ऊपर है तो मैग्नेटिक वेक्टर इधर होगा और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इधर होगा। तीन ही वेक्टर होते हैं भाई, ई वेक्टर और बी वेक्टर। तो इसमें से एक अपना बी वेक्टर है और ऊपर जो है ये ई वेक्टर है। तो ये जो के है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है। तो चलो अगर मैं मान लेता हूँ कि वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन डी वेक्टर इधर मान लूँ, तो मैं इधर के वेक्टर एज्यूम कर लेता हूँ, ये वाला प्रोपोगेशन कांस्टेंट। और मैं पॉजिटिव वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस में आएगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस में बी वेक्टर आएगा, ठीक है ना। ये तीनों आपस में मैंने तीनों पॉजिटिव डायरेक्शन में मैंने कंसिडर कर लिया और तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। थीटा इनके तीनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। के वेक्टर परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है। तो ये बात आपको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखोगे, अगर कोई भी वेव है, एनी ट्रांसवर्सल वेव है, तो उसका इक्वेशन वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक वेव का इक्वेशन। तो इसमें जो प्रोपोगेशन कॉन्स्टेंट है ओमेगा, इस ओमेगा की जो वैल्यू होती है, इस ओमेगा की वैल्यू भी मल्टीप्लाइड बाई के इक्वल होती, मतलब के इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन भी होती है, या यूं कहना जो भी की वैल्यू आ जाती है वो ओमेगा अपॉन के होता है। आई होप कि आपको पता होगा। तो अब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए लगाऊंगा, तो यहाँ जो स्पीड भी है वो लाइट की स्पीड सी के बराबर हो जाएगी। समझ में आया? तो लाइट की स्पीड अगर सी के बराबर हो गई तो यहाँ सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ओमेगा अपन के। और हम सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई सी के बराबर होती है। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपन ओमेगा के इक्वल हो जाएगा स्केलर फॉर्म में। अगर मैं इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई के, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ई साइन 90 अपन ओमेगा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, तो अब यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसको मैं या तो ऐसे लिखूंगा, मैग्नेटिक वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू ई क्रॉस के, या तो ऐसे लिख दूँ अपान ओमेगा, या मैग्नेटिक वेक्टर बी को मैं लिख सकता हूँ 1 अपान ओमेगा के क्रॉस ई। यही दो पॉसिबिलिटी है। तो ये जो पहली पॉसिबिलिटी है ये वाला, और ये जो पहली पॉसिबिलिटी ये वाला, ये दो पॉसिबिलिटी है। तो अगर मैं 1 अपान ओमेगा के क्रॉस ई लिखता हूँ, तो जो मैग्नेटिक वेक्टर बी आता है वो आता है पॉजिटिव जेड एक्सिस में आता है। और अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ये लिखता हूँ, ऊपर लिखता हूँ ई क्रॉस के, तो निगेटिव जेड एक्सिस में आता है, ठीक है ना, ये वाला। तो इसमें से कौन सा सही है? तो मैं देखूंगा कि जब मैं ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया हूँ, बात आ रहा समझ में, तो मैं ई क्रॉस के नहीं लिख सकता, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, के क्रॉस ई करूँगा तो पॉजिटिव अपना पॉजिटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस में, ठीक है। तो मतलब ये ओमेगा ई क्रॉस दैट इज दिस ऑप्शन इज करेक्ट एंड दिस वन इज द रॉन्ग। आई होप कि बहुत बेहतर से मजा आ गया होगा आपको समझ के। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।